सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार कहते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अपने शिष्य अर्जुन को दिया था। गीता का जो सार है आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 साल पहले था। और श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महाकाव्य है जिसे सभी धर्मों के लोग मानते हैं। इसमें जीवन जीने की कला हमें बताई गई है, साथ ही किस प्रकार हमें संसार के सभी संघर्षों को पार करके इस जीवन की नैया को आगे बढ़ाना है, ये सब कुछ हमें बताया गया है। इस दुनिया की, इस संसार की सभी समस्याओं का समाधान हमें श्रीमद् भगवत गीता में देखने को मिलेगा। और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के सार को आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्यायों वाली है, लेकिन जो सार हम आपको बताने जा रहे हैं वह श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार है। और इस सार से ही आपको यह जान पड़ेगा कि हमें संसार में विभिन्न प्रकार की जो विपत्ति आती है, जो कटु अनुभव होते हैं, उनसे कैसे पार पाना है। हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य है, जिनमें एक है श्री रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और श्रीमद् भगवत गीता में संग्रहित उपदेश हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों का जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। और यह श्रीमद् भगवत गीता का जो सार है किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि मानव मात्र के कल्याण के लिए है। और इसको यदि अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जीवन का बेड़ा पार कर सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता है या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर के भाग जाते हैं। ऐसे में गीता जी में बताए गए उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था, जिसे सुनकर के अर्जुन को अद्भुत और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए था। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। और इसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को सहज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है, अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक सत्य है, वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है
उसे एक ने एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है, अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना संसार की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर व्यर्थ में नहीं पालना चाहिए। डर से हमें जो है अकर्मण्यता का भाव भी उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वही जब बुद्धि काम नहीं करती तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो मनुष्य कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बच करके हमेशा शांत रहना चाहिए क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। भगवान कृष्ण ने गीता सार में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटना ठीक नहीं है क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया है तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है और ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है, अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के अनुरूप कर्म करता है। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से ही देखता है। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से ही कर्म करता है। गीता सार में कहा गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकेगा। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते हैं वह निश्चय ही असफल होते हैं और जो खुद पर भरोसा रखते हैं वही संसार में सफल होते हैं। वही इंसान जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो लोग कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं या सोचते हैं ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या फल या क्या परिणाम होगा क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देना चाहिए। उसके कर्म का फल क्या होगा, फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं, इस प्रकार की भावना मन में उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अर्थात कर्म के दौरान इंसान को उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर के शुरू करना चाहिए।
मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन के समान स्थिति में इसे योग कहा जाता है। इसलिए सुख और दुख में मनुष्य के स्वभाव में समानता रहनी चाहिए। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु यानी दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान सब एक समान जान पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इनका पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करता रहता है और वह उस कोशिश में रहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, निश्चय ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करे तभी दूसरे का काम करे। क्योंकि जो लोग अपने काम को नहीं करते हैं और दूसरे का काम करते रहते हैं वे लोग अक्सर परेशान होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहतर जरूरी है और सभी एक समान भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल की पूजा कर रहा है तो कोई पहाड़ की पूजा कर रहा है, कोई पत्थर की पूजा कर रहा है, कोई नदी की पूजा कर रहा है, कोई समुद्र की पूजा कर रहा है। असंख्य देवता है जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं लेकिन सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी अकल्पनीय निराकार अविनाशी अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है वह इस ईश्वर की कृपा का पात्र अवश्य ही बन जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा, इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में हमेशा निवास करेगा। वही अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वे लोग निश्चय ही सफलता को प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझ करके उस काम को सिर्फ निपटाने का प्रयास करते हैं।
ऐसे लोग किसी काम को ढंग से कर नहीं पाते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं, और ऐसे ही लोग असफलता को प्राप्त कर लेते हैं। गीता सार में भगवान कृष्ण ने यह बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित होती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता हो, खुशी हो या गम हो, हमें कभी भी अति नहीं करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बना करके रखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बड़ी सीख दी है। जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, ऐसे स्वार्थी कभी किसी का भला नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वही गीता में यह कहा गया है कि स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख नहीं पाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को कभी भी पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए ही करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वरी है, जो संपूर्ण जगत को चला रहा है। वहीं इंसान तो बस ईश्वर के हाथ की कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालने का प्रयास भी करता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर किसी भी रूप में हमारे साथ आ सकते हैं। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है, या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है। वहीं जिज्ञासा होना भी लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या फिर संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है, और शक करने वाले इंसान बाद में इसका पश्चाताप करते हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवद् गीता में जो उपदेश दिए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार ले, तो निश्चय ही वो सफल हो जाएंगे। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। भगवान कहते हैं कि क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल ही रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लोगे यहीं से लोगे। इसी तरह तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल और किसी का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझ करके बड़ी भूल कर रहे हो, मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरों ही क्षण तुम गरीब यानी दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो।
यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना हुआ है और इसी पंच तत्व में पुनः मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को प्रभु को परमात्मा को समर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव करेगा, क्योंकि परमात्मा से ही तुमने सब कुछ प्राप्त किया है और परमात्मा से ही तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। और परमात्मा की जब कृपा होगी तो तुम्हारे जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय हो जाएगा। तो परमात्मा की कृपा से प्रत्येक मनुष्य सुख और दुख को प्राप्त करता है और सभी प्रकार की खुशियां केवल परमात्मा से ही प्राप्त होती है और परमात्मा में ही पुनः विलीन हो जाती है। तो भक्तजनों, हमने आपको गीता सार का अद्भुत ज्ञान दिया है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।